आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कई लोगों की उम्मीदें, कई लोगों की मेहनत रंग लाई तो कई लोग अनसोल्ड भी गए। कई लोगों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी नजर आई तो कई लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 की एक फ्रेंचाइजी के बारे में, जो कि नई आपको देखने को मिलेगी। लखनऊ की टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का नाम रहेगा। दोस्तों, इस आईपीएल में आपको 10 टीमें खेलते हुए नजर आएगी। तो आप लोगों को हर वीडियो में मैं आपको एक एक टीम के बारे में बारीकी से बताऊंगा, उनके फुल स्क्वाड के बारे में बताऊंगा, साथ में बताऊंगा क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस बन सकती है इस आईपीएल 2022 में। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। पहले बात करते हैं इनके बैट्समैन के बारे में। इन्होंने जो बैट्समैन में बिट करी, मनीष पांडे, मनन बोरा और इवन लुइस के ऊपर बिट करी। वहीं बात करते हैं इनके ऑलराउंडर में जेसन होल्डर, दीपक हुडा, कुणाल पांड्या और दीपक हुडा की एक बार लड़ाई भी हो चुकी है बड़ौदा टीम में, जहां से फिर दीपक हुडा को बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करी जिस वजह से वो इंडिया टीम में सेलेक्ट भी हुए और इस ईयर इंडिया टीम में खेले भी और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद मार्कस टोनिस, कृष्णप्पा गौतम, आयुष, काइल और करण शर्मा, ये इनके ऑलराउंडर रहेंगे। वहीं बात करते हैं विकेट कीपर में, तो डिकॉक और केएल राहुल इनके विकेट कीपर चॉइस है। अब बात करते हैं बॉलिंग अटैक में बात करें तो आवेश खान, मार्क वुड, अंकित सिंह राजपूत, रवि विश्नोई, दुष्यंत चमीरा, शहबाज नदीम, मोहम्मद मोहसिन खान और मयंक यादव, ये इनका बॉलिंग अटैक है। अब बात करते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो इस टीम की जो है वो ऑलराउंडर इनकी स्ट्रेंथ है। इनके पास ऐसे पावर हिटर है जो अकेले की दम पे गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। और इनकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है, इनका टॉप ऑर्डर के दो बल्लेबाज डिकॉक और केएल राहुल जो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करते हैं इनकी वीकनेस के बारे में। इनकी वीकनेस जो मुझे नजर आई है, इनका पेस अटैक। इनके पास एक ऐसा पेस अटैक होना चाहिए था इंडियन बॉलर का जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो। ये ईशांत शर्मा के साथ जा सकते थे, उमेश यादव को पिक कर सकते थे जिनके ऊपर किसी ने ज्यादा बिट नहीं करी। अगर ये उनको लेते तो कहीं ना कहीं आवेश खान को थोड़ा सपोर्ट मिलता और कुछ अलग सीखने को मिलता। हालांकि इनके पास फाउंडर में मार्क वुड अवेलेबल रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडियन को भी ये पिक कर सकते थे। तो दोस्तों, ये लखनऊ सुपर जायंट्स के फुल स्क्वाड था। और अब बात करते हैं कि लगभग प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। यहां पर मुझे लगता है डिकॉक और केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मनीष पांडे को फर्स्ट डाउन, देन उसके बाद ये ऑलराउंडर दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, मार्कस टोनिस और जेसन होल्डर, इन चारों को ये खिलाएंगे। देन उसके बाद अगर ये अपना स्पिनिंग अटैक मजबूत करना चाहते हैं तो कृष्णप्पा गौतम को चांस दे सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे ये बॉलिंग अटैक पे मार्क वुड, आवेश खान, रवि विश्नोई लास्ट ईयर पंजाब की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसे बॉलर है जो विकेट टेकर बॉलर है, विकेट निकाल कर देते हैं हर मैच में आपको। तो लगभग इनकी ये प्लेइंग 11 हो सकती है। आपको क्या लगता है इस टीम की क्या प्रोबेबली प्लेइंग 11 होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।